हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के लिए एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 और जो इससे पहले था एक क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों एक फिगर एक जैसी है, लेकिन जो गिवन है ना वो अलग अलग है। पहले वाले के अंदर 14 क्वेश्चन के अंदर हमें ये वाली ए बी सी डी और पी आर पैरेलल दे रखी थी और प्रूव करना था कुछ और, लेकिन अब हमें दो ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल दे रखा है, दो पेयर, और हमें प्रूव करना है कि जो ये ए बी सी डी है और डी सी पी आर, ये ट्रेपीजियम, यानी कि हमें प्रूव करना है ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो कैसे कर पाएंगे उसको, एक बार ओरली मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, और मुझे पता है कि आप इसको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। लेट अस सी, हमें दे रखा है डी आर सी का एरिया डी पी सी के बराबर। इन फिगर 9.29 एरिया ऑफ डी आर सी इक्वल टू एरिया ऑफ डी पी सी एंड एरिया ऑफ डी बी डी पी इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी, ये फिगर दे रखी है आपको बुक के अंदर। इसमें डी आर सी का एरिया, डी आर सी का एरिया बराबर दे रखा है डी पी सी के बराबर, और साथ में दिया हुआ है बी डी पी का एरिया ए आर सी के बराबर, ए आर सी के बराबर, उल्टा दे रखा है। हमें ए आर सी लेफ्ट में चाहिए कुछ कर ये प्रूव करने के लिए, तो उसको बाद में कर लेंगे हम। तो इसका एरिया बराबर दे रखा है इसके एरिया के, और इसका एरिया बराबर दे रखा है इसके एरिया के। हमें प्रूव क्या करना है कि ये बी सी डी, सो दैट बोथ द क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी एंड डी सी पी आर ट्रेपीजियम्स। हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी एंड डी सी पी आर, ये ट्रेपीजियम है। तो देखिए हमें ये दे ही रखा है कि ये दोनों के दोनों, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, एरिया इक्वल है, दोनों सेम बेस पर है, तो इसका मतलब बिटवीन द सेम पैरेलल होंगे थ्योरम की वजह से, तो ये इसके पैरेलल। तो ये तो हो गया प्रूव ट्रेपीजियम। अब बारी आती है इसकी, तो कैसे करेंगे हम, हमें ये पूरा इक्वल दे रखा है इसके, तो अब हम इसके अंदर से मतलब जो इसको नाम वन दे देते हैं, इसको हमने नाम दिया वन, और जो ये दे रखा है इसको नाम देते हैं टू। तो सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू करके हम क्या करेंगे, इस पूरे में से ये कट जाएगा, बचेगा ये, और इस पूरे में से ये कट जाएगा, बचेगा ये, तो हमारा आ जाएगा ये एरिया इक्वल इसके, और दोनों का बेस सेम है, तो फिर इसी वजह से क्या होगा, ये इसके पैरेलल होगी और हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। बस ये थोड़ा उलट दे रखा है, इसको लेफ्ट में हमें चाहिए प्रूव करने के लिए। तो चलिए इसको स्टेटमेंट फॉर्म में देखते हैं। इन फिगर हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ डी आर सी बराबर है एरिया ऑफ डी पी सी एंड एरिया ऑफ बी डी पी बराबर है एरिया ऑफ ए आर सी, ठीक है, ये गिवन है। हैव टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें ए बी सी डी एंड डी सी पी आर ट्रेपीजियम, और एक तरीके से हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू पी आर। ओके, तो लेट अस डू द प्रूफ।
हमें जो दे रखा है उसका इस्तेमाल करते हैं, गिवन एरिया ऑफ डी आर सी इक्वल टू एरिया ऑफ डी पी सी एंड बोथ आर ऑन द सेम बेस डी सी। डी आर सी, डी आर सी एंड डी पी सी, डी पी सी दोनों का बेस सेम है डी सी और एरिया भी सेम है। सो इसकी वजह से क्या होगा, डी सी पैरेलल टू पी आर। चलिए जी, एक चीज प्रूव हो गई और इसको नाम दे देते हैं वन, इसकी जरूरत पड़ेगी इसके नाम दे दिया टू। नाउ ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है, एरिया ऑफ, अब उसको लेफ्ट में लिख लेते हैं, ए आर सी इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी पी। हमें दे रखा था ये इधर और ये इधर, अब हमने ए आर सी को लेफ्ट में लिख लिया और इसको जो इधर था उसको उधर लिख दिया, इसको नाम दिया थ्री। सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम थ्री, एरिया ऑफ ए आर सी माइनस एरिया ऑफ डी आर सी, एरिया ऑफ बी डी पी माइनस एरिया ऑफ डी पी सी। तो ए आर सी में से, ए आर सी में से डी आर सी, डी आर सी माइनस कर दिया तो ये बचा एरिया ऑफ सी डी ए। इक्वल टू बी डी पी में से, बी डी पी में से डी पी सी कट गया, बचा ये वाला एरिया, एरिया ऑफ सी डी बी। बट बोथ आर, इसके आगे लिखेंगे बोथ आर ऑन सेम बेस। कौन सा बेस है सेम? अच्छा यहां पर ये चीज तो लिख दें, सो जो ये था डी सी पी आर, डी सी पी आर इज अ ट्रेपीजियम। एक चीज तो हम प्रूव कर चुके हैं। अच्छा अब सेम बेस कौन सा है इसके अंदर, सी डी। सो ए बी पैरेलल टू सी डी और ए बी सी डी इज ऑल्सो अ ट्रेपीजियम, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। And again I am saying you, if you want to get the solution of and videos of the solution of exercise 9.4 that is optional, then tell me in the comment box and I will definitely make the video on this exercise. Okay, have a great time, have a nice time always.